हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ हिमलेस। ये विलियम बट्सवर्थ पर और उनके वर्क पर 50 एमसीक्यूज हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन प्रश्नों को हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी होती है, उसको जानेंगे और आपको एक बार में क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। विच ईयर आर द टू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर? विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर की सच्ची शुरुआत का वर्ष कौन सा माना जाता है? देखिए, आपको मालूम होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, दो इनकी पोइम पब्लिश होती हैं 1793 में। तो 92-93 के मध्य में वो लिखी जाती हैं। तो टू कमेंसमेंट, सच्ची शुरुआत जो है वो ईयर 1792-93 मानी जाती है। ये टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? तो ये अभी बोला था 1793 में। व्हाट डज द पोइम एन इवनिंग वॉक शो? जो पोइम है इवनिंग वॉक, आपकी नज़र में क्या दर्शाती है? द पोइम इज रिटन फॉर एस्टी कॉलेज एंड रॉबर्ट सौदे अबाउट देयर इवनिंग वॉक, या द पोइम फोकसेस ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज एंड एडवेंचर्स इन द आउटडोर, या इट डिस्क्राइब एन यूरोपियन टूर, या इट डिस्क्राइब्स अबाउट वर्ड्सवर्थ मीटिंग एंड वॉकिंग विद एनिटी बैलन? तो कौन सा इवनिंग वॉक के लिए सही है? तो इसमें जो पॉइंट बी है, क्योंकि इवनिंग वॉक जो है वो इनके चाइल्डहुड मेमोरीज को दर्शाती है, तो ये बी सही है इसका ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर? कौन सी पोइम इनमें से लेटर की फॉर्म में है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक टू मिल्टन, या द फाउंटेन, अ कन्वर्सेशन? तो ये इवनिंग वॉक जो है, ये पोइम जो है लेटर में है। और इसको नहीं पढ़ेंगे पॉइंट, इसको अगले समझ लेंगे, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेन है वो ये क्वेश्चन है, इसलिए उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया। एन इवनिंग वॉक इज एन एड्रेस टू अ यंग लेडी, टू हुम इज दिस पोइम एड्रेस्ड? किसको ये पोइम एड्रेस की गई है? चार नाम दिए गए हैं, मैरी हचिंगसन, एनी गॉडविन, एनेटी वेलन, या डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो देखिए, ये पोइम जो है लेटर के फॉर्म में है। तो जब ये कॉलेज में थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज में थे, तो वहाँ से अपनी बहन डोरोथी को पत्र के तौर पर इस पोइम को लिखते हैं, एन इवनिंग वॉक को। तो ये पोइम जो है डोरोथी, उनकी सिस्टर है, उनको एड्रेस करके लिखी गई है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज इज नॉट अ लोकल वॉक लाइक एन इवनिंग वॉक, बट इज एन वर्ल्ड टूर, यूरोपियन टूर, इंडियन टूर, या स्कॉटिश टूर। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है एक वर्ल्ड टूर है, वो भी यूरोपियन टूर का, यानी यूरोपियन टूर पे गए थे। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो स्केचेस है, ये यूरोपियन टूर के बारे में लिखी गई है, और विशेष तौर से आपका जो फ्रांस की रिवर है लॉयर, उसके बारे में लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बैठता है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ मोस्टली अपॉन द बैंक्स ऑफ, सॉरी, अभी हमने ऊपर उत्तर बताया था कि जो वहाँ की प्रमुख नदी है द लॉयर, तो उसी के बैंक पर मोस्टली ये कंपोज की गई है। और
हु टॉट विलियम वर्ड्सवर्थ द पॉलिटिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन की पॉलिटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन सिखाता है? देखिए 1791 में ये रिविजिट करते हैं फ्रांस को, तो वहाँ पर रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं रिवोल्यूशनरी, तो उनसे मिलते हैं। तो वहाँ के जो नेता होते हैं माइकल डी ब्यूपाय, तो वहाँ उनसे ये पॉलिटिक्स ऑफ रिवोल्यूशन सीखते हैं। तो ये कौन है माइकल डी ब्यूपाय? लिखा है व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस द सेकेंड टाइम इन 1791 ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफिसर्स द न्यूली सेट अप रिपब्लिकन आर्मी। एन ऑफिसियर नेम्ड माइकल डी ब्यूपाय हु आइडियल्स ऑफ फ्रीडम अंडर द नेचर लॉ इम्प्रेस्ड हिम मच एंड बीकेम हिज फ्रेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हु हैड लेफ्ट विलियम वर्ड्सवर्थ आ स्मॉल लेगेसी। कौन छोटी सी वसीयत को छोड़ कर जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब वो पोइम कंपोज करते थे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का उनको लगातार सॉल्यूशन मिलता गया, इसलिए ये कविताएं लिखते गए। तो इनके एक फ्रेंड थे, पहले नाम देख लीजिए, हिज फ्रेंड रेस्ले कल्बर्ट एसटी कॉलेज, हिज सिस्टर डोरोथी या हिज फ्रेंड रॉबर्ट जोन्स। देखिए रॉबर्ट जोन्स तो इनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन इनके फ्रेंड से रेस्ले कल्बर्ट इसकी ये बहुत सेवा करते थे, इनके साथ रहते थे, और ये व्यक्ति जो था ये उससे पीड़ित था टीबी से, क्षय रोग हो गया था। तो मरने के समय विलियम वर्ड्सवर्थ से कसम लेता है कि जो पैसे छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझसे अपनी कविताओं को पूरा करोगे। तो ये लगभग 900 पाउंड की लेगासी इनके नाम छोड़ जाते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस एंड टीबी से 1795 में इनकी डेथ हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज विलियम वर्ड्सवर्थ अकाउंट ऑफ ए वॉकिंग टूर विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द समर ऑफ 1790। दिस फ्रेंड वॉज कौन था? रॉबर्ट जोन्स, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट सदी या ऑल ऑफ द अबव? देखिए रॉबर्ट जोन्स इनके साथ में थे और दोनों यात्राओं पर साथ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए है। और एसटी कॉलेज की बात करें तो एसटी कॉलेज से मुलाकात ही 1795 में होती है और रॉबर्ट सदी के घर पर ही मुलाकात होती है पहली बार, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए है। विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नॉट गिव द पोइम द टाइटल टू द प्रील्यूड, यानी प्रील्यूड जो पोइम लिखी इन्होंने खुद टाइटल नहीं दिया, बल्कि ही ओनली कॉल्ड इट पोइम टू कॉलरिज, देन हु गेव द टाइटल प्रील्यूड। ये आपका क्वेश्चन है, किसने प्रील्यूड टाइटल दिया? भाई डोरोथी ने दिया जिससे वो जीवन भर जुड़े रहे, या एस्ट्री कॉलेज जिनके लिए पोइम लिखी गई, या क्रिस्टोफर जो उनका यंगेस्ट ब्रदर था उसने दिया, या मैरी हचिंगसन। तो आपको जानना चाहिए कि 1850 में पब्लिश होती है और 1805 में इसको लिखा जाता है, तो इनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है, तो डेथ के समय इनकी वाइफ मैरी हचिंगसन इसको प्रील्यूड नाम देती हैं। विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट इमोर्टलिटी ओड और ग्रेट ओड, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओड। तो आपको ये किस प्रकार का ओड है इसको बताना है, और चार इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और सब आपको एक जैसे लगेंगे, आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट ठीक नहीं है इमोर्टलिटी ओड के बारे में। तो इट इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड, एक बात। द ओड द काइंड इन्वेंटेड बाय अब्राहम कॉले, द वर्ड्सवर्थ बारोड द फॉर्म फ्रॉम ओड अलेक्जेंडर इंस्पायर्ड फीस्ट, अलेक्जेंडियाज इंस्पायर्ड फीस्ट होगा। इट इज ए रेगुलर पिंडारिक ओड। देखिए ऊपर की तीनों बातें सही हैं, क्योंकि अब्राहम कॉले ने जो फॉर्म को इन्वेंट किया था वो इरेगुलर पिंडारिक ओड था, और उसको
उसी नाम से इसको कॉलियन ओड भी कहते हैं। और इस ओड को ड्राइडन ने परफेक्ट किया और ड्राइडन से फिर वर्ड्सवर्थ ने अब इसको कॉपी किया। तो ये एक प्रकार का रेगुलर पिंडारिक ओड नहीं है, क्योंकि रेगुलर पिंडारिक ओड वही है जिसमें स्ट्रॉपी एंटीस्ट्रॉपी और जो एपोड हैं वो लगातार हर स्टेंजा में इक्वल लाइंस होती हैं, इक्वल लेंथ होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ठीक नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इमोटेलिटी ओड के ठीक हैं। और ये सारे पॉइंट आप याद कर लेना। द प्रिल्यूड इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ लार्ज वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, द एक्सकर्सन, रिक्लूज, थॉर्न और रुइंड कॉटेज। कौन सा किस पोइम में का प्रिल्यूड इंट्रोडक्टरी पार्ट है? तो ये पोइम है द रिक्लूज, जो कभी पब्लिश नहीं होती है। इसका सॉरी तो ये पोइम जो है रिक्लूज का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी पोइम्स वर रिटन इन, कब कहाँ लिखी गई? सॉरी, गॉसलर जर्मनी में, ब्लायस फ्रांस में, स्कॉटलैंड में या ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो ये पोइम जो है, लूसी पोइम्स जो हैं वो गॉसलर जर्मनी में लिखी गई, तो इसलिए गॉसलर पोइम्स के अंतर्गत लूसी पोइम्स का नाम आता है। तो आपका ए ऑप्शन ठीक है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑल लूसी पोइम्स वर रिटन इन गॉसलर जर्मनी इन 1799 एक्सेप्ट वन, विच वन? देखिए, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पर्सन, तो इसमें जो आई ट्रेम्बल्ड अमंग अननोन मैन, ये जो पोइम है ये 1799 बाद ये इंग्लैंड आ गए थे, तो ये लगभग 1801 के लगभग ये इंग्लैंड में लिखी गई थी। तो ये पोइम और बाकी सारी पोइम जो हैं आपकी गॉसलर में लिखी गई हैं। तो आई ट्रेबल्ड अमॉन्ग अनट्रोडन बेस वॉज रिटन इन 1801 इन लंदन। विच ऑफ द पोइम फॉलोइंग पोइम इज नॉट अमॉन्ग द लूसी पोइम सीरीज? देखिए, लूसी पोइम सीरीज में 5 पोइम्स हैं, तो इनमें से 3 शामिल हैं और एक नहीं है, बताना है। स्ट्रॉन्ग फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रोडन बेस, या आई ट्रेबल अमॉन्ग अननोन मैन, या लूसी ग्रे? तो इसमें लूसी ग्रे जो पोइम है ये आपकी शामिल नहीं है। लूसी ग्रे के बारे में अगर आपको बता दें तो ये वो लड़की है जिसके बारे में जो लालटेन लेके अपने पेरेंट्स को तूफान में खोजने जाती है, पढ़ी होगी आपने कक्षा 10 में। दस नेचर स्पोक द वर्क वॉज डन, ये लाइन जो है द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क? तो देखिए, ये पोइम जो है लूसी पोइम है, और इस लूसी पोइम में जो लूसी ग्रे की पोइम है वो शामिल नहीं है। ये लूसी पोइम का मतलब है एजुकेशन ऑफ नेचर, तो ये एजुकेशन ऑफ नेचर की लाइन्स हैं। वो जो आए दैट इन आवर एम्बर्स, अरे एक बड़े ही हर्ष की बात है, दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट इज डेथ अलाइव, कि हमारे यादों की जो राख है उसमें अभी भी कुछ आँच बाकी है, या अभी भी कुछ स्मृतियाँ बाकी हैं। दैट नेचर येट रिमेंबर्स वॉट वॉज सो फ्यूजिटिव, और इसे अभी भी वो बातें याद हैं, उस बचपन के बारे में याद है जो एक भगोड़ा टाइप का है। तो ये पोइम कौन सी पोइम है वो बतानी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम टिंटन एबे, इमोर्टेलिटी ओड टू मिल्टन, या पील कैसल? तो ये आपका इमोर्टेलिटी ओड है, क्योंकि वहीं बचपन के भगोड़े की बात आती है। विच ऑफ दीज पोइम्स इज नॉट द कैटेगरी ऑफ गॉसलर पोइम्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोइम को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को, कि कौन सी पोइम इसमें से गॉसलर पोइम्स में नहीं है। देखिए, लूसी पोइम्स गॉसलर पोइम्स में है, अभी ऊपर बात कर चुके हैं। मैथ्यू पोइम्स ये भी गॉसलर पोइम्स में है, और ये दोनों ही एलजियाग पोइम्स हैं,
एलजी हैं। एक्सकर्सन जो है 1813 के लगभग लिखी गई है और गौसलर में ये 1799 और 1899 1800 तक रहे हैं, और रथ और नटिंग दोनों वहीं लिखी गई हैं, इसलिए आपका एक्सकर्सन जो है वो गौसलर पोइम्स नहीं है। आप लोग बायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें सारा कुछ बताया गया है। हु सजेस्टेड वर्ड्सवर्थ टू ऐड एन एपिग्राफ फ्रॉम माई हार्ट लीव्स अप द रेनबो टू द रीप्रिंटेड वर्जन 1815 ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। देखिए 1815 में ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी पब्लिश होता है और उसमें एपिग्राफ जोड़ा जाता है रेनबो पोइम का, जिसका टाइटल है माई हार्ट्स लीप्स अप। तो किसके सजेशन पर इन्होंने उस पोइम में इस एपिग्राफ को जो है ऐड किया, सॉरी। तो यह है हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, आर डब्ल्यू एमर्सन, एस टी कॉलरिज या सी एम बोरा। तो ये हेनरी क्रैब रॉबिन्सन थे जिन्होंने इनको सजेस्ट किया। और व्हाट फॉर द इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इनडेप्थ फॉर द डिक्लाइन इन सेलेसियल पावर। जो सेलेसियल पावर की कमी आई, डिक्लाइन हुआ, यानी कि जो दिव्य ज्योति बचपन में देखा करते थे और धीरे धीरे वो दिव्य ज्योति जब ये बड़े होते तो गायब हो जाती है, तो उसका डिक्लाइन होने पे जो इनडेप्थ थे किस से, किसकी पोइम से इन्होंने देख कर लिखा। तो हेनरी बॉगन है या एस टी कॉलेज, जॉन डन या थॉमस कैरियो। तो हेनरी बॉगन की पोइम है द रिट्रीट। रिट्रीट है, रिट्रीट में, सॉरी, रिट्रीट जिसका मतलब वापस लौटना। तो आंसर वही हुआ, अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड हुज ड्वेलिंग इज इन द सेटिंग सन। तो यहाँ कह रहा है कि एक उपस्थिति जो मेरे को जॉय के साथ डिस्टर्ब करती है, एलिवेटेड थॉट, अ सीन सबलाइम, उच्च विचारों को और उच्च दृश्यों को लाती है, समथिंग फॉर ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, कुछ उसके बारे में बताती है जो काफ़ी गहराइयों से घुला मिला है, हुज ड्वेलिंग इज इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जिसका निवास छिपते सूरज में है, राउंड ओशन एंड लिविंग एयर, गोल सागर में है और बहती हवा में है, एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ मैन, अ मोशन एंड स्पिरिट दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। यह कहने का मतलब है जिसका निवास, जिस आत्मा का निवास प्रकृति की समस्त ऑब्जेक्ट में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, विच स्टेज ऑफ दिस हिज लव ऑफ नेचर वर्ड्स वर डिस्क्राइब इन दीज लाइन्स। तो देखिए, जब ये आपका थर्ड स्टेज है, क्योंकि टिंटन एवे में तीन स्टेज दर्शाई गई हैं, और टू सी सोल ऑफ नेचर इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो ये है, और इसको बोलते हैं मिस्टिकल पैनिथिज्म, यानी कि सर्वात्मा के दर्शन, सर्वात्मावाद। और थर्ड स्टेज में लव ऑफ नेचर दर्शाया गया है, टू सी सोल ऑफ नेचर इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन टिंटन एवे सीम्स टू डेवलप इन थ्री स्टेजेस। फाइनली द लव ऑफ नेचर डेवलप टू सी द सोल इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो ये कह रहे हैं, वॉट इज दिस फिलॉसफी कॉल्ड, ये फिलॉसफी क्या कहलाती है। तो ये अभी बात की थी मिस्टिकल पैनिथिज्म, यानी कि सर्वात्मा के दर्शन, यानी कि सर्वात्मावाद बोलते हैं इसको। द रिक्लूज वॉज प्लांट एज थ्री पार्ट
masterpiece, but tragically remained uncompleted. The recluse three parts structure compared to, तो ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है और इसके आगे छोटा सा ये है और इसको तीन भागों में बांटा गया है, वन टू और थ्री। और ये आपका ये जो है ये जो पोर्च बोलते हैं पोर्टिको बोलते हैं पोर्टिको है, तो पोर्टिको के रूप में हाँ चलो वो एग्जांपल बाद में देंगे। खैर तो ये है द बॉडी ऑफ अ गॉथिक चर्च, तो ये गॉथिक चर्च इस प्रकार का बना होता है, तो इस चर्च से इसकी रिक्लूज की तुलना की गई थी। तो देखिए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रिल्यूड था, सेकंड पार्ट में एक्सकर्जन था और फर्स्ट पार्ट में दो पोइम थी और थर्ड पार्ट जो है इनकम्प्लीट था। तो शायद नीचे लिखा भी है प्रिल्यूड जो है इज इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द रिक्लूज, जिसको बोलते हैं चैपल या पोर्टिको, और फर्स्ट पार्ट में होम एट ग्रासमेयर और द टप्स ऑफ प्राइमोसस दो पोइम थी, और थर्ड पार्ट में और सॉरी जो सेकंड पार्ट था और ओनली कंप्लीटेड पार्ट है रिक्लूज, तो इस और थर्ड पार्ट जो है वो कभी लिखा नहीं गया और कभी ये पोइम पब्लिश नहीं हुई। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, किस पोइम की लाइन है वो सुंदर लाइन है कि हम नेचर में बिल्कुल नहीं देखते और प्रकृति जो सुंदरता फैलाती है वो सब हमारे लिए है और हमारी है। ये लाइन किस पोइम से ली गई है, TGT 2016 पूछी गई है, तो ये पोइम जो है ये आपकी द वर्ल्ड इज टू मच बिदासा, इस पोइम से है, ये सोनेट है। अब आपको नाम बताना है, नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कुट, द गॉड्स अप्रूव, देवता अनुमोदन करते हैं, द डेप्थ गहरे प्यार का, एंड द टैमल्ट ऑफ द सोल, ना कि जो उछल कूद करने वाली आत्मा होता है उसका। तो ये लाइन जो है किस पोइम से है, देखिए प्रोटोसिलियास का हस्बैंड सॉरी प्रोटोसिलियास अपनी वाइफ लाउडोमिया को जब समझाता है तो कहता है कि यू मस्ट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, अपने प्यार पर कंट्रोल करो, क्योंकि कंट्रोल्ड लव को ही जो गॉड्स हैं वो अप्रूव करते हैं। तो ये एग्जॉर्सन्स हैं, ये उपदेश हैं लॉडोमिया के लिए, तो ये पोइम लॉडोमिया से हैं। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ लिविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, TGT 2025 में आया है, रेडल माउंट में रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोइटिक वर्क इज जनरली कंसीडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर, ये तो इजी सा प्रश्न है, सब जानते हैं लिरिकल बैलेट्स। व्हेन वाज द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पब्लिश होते हैं 1798 में, 1793 में इस एन इवनिंग बॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, 1795 में उनकी 1795 में इनका प्ले लिखा जाता है द बॉर्डर्स, और इसी ईयर ये एसटी कॉलेज से मिलते हैं, और 1800 में इसका सेकंड एडिशन आता है। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर फॉर वेस्ट मूरलैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर्स कब होते हैं, तो 1813 में, और 1842 तक काम करते हैं, यानी कि इतने वर्ष, फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है और फिर उनको पेंशन मिलती है लगभग 3000 की। वेन वाज वर्ड्सवर्थ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर फॉर वेस्ट मूरलैंड एंड रिसीव द पेंशन पाउंड 300, देखिए 300 के होते हैं, हमने 3000 बोल दिया सॉरी। तो ये अभी ऊपर बताया था कि 1842 तक काम करते हैं, उसके बाद ये रिजाइन कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन बी है
द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798 में आता है, वॉज पब्लिश्ड विद ए ब्रीफ नोट कॉल्ड, एक छोटा सा नोट इसमें लगा होता है, उस नोट का नाम क्या है, पोएटिक डिक्शन, एडवर्टीजमेंट, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। तो देखिए ये आपका एडवर्टीजमेंट है और शायद नीचे लिखा भी होगा, एक्सपेरिमेंट्स इन द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज फॉर पोएटिक प्लेजर। तो इसमें कहते हैं कि जो पोइम्स मैंने दी हैं तो उनका पोएटिक प्लेजर के लिए आम बोलचाल की भाषा का यूज किया गया है, तो जो यूज किया है वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। द लिरिकल बैलेट्स वॉज नॉट मच एप्रिसिएटेड इन इंग्लैंड इन 1790, जब पब्लिश होते हैं 1798 में तो इंग्लैंड में इनको प्रशंसा नहीं मिलती, क्योंकि जो लोग फिर जॉन डॉन और रचना है रॉबर्ट सदे की ही, सॉरी किसी और की रचना है, तो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन इट वॉज मच एप्रिशिएटेड इन अमेरिका, द फर्स्ट पब्लिकेशन केम इन अमेरिका इन, तो अमेरिका में ये अच्छे पब्लिश होते हैं, अच्छा इनको एप्रिसिएशन मिलता है, तो वहाँ पर पब्लिश होते हैं 1802 में, और 1802 में यहाँ पर अपना कौन सा थर्ड इसका एडिशन आ जाता है। तो फर्स्ट एडिशन इन अमेरिका वॉज पब्लिश्ड इन 1802, लिरिकल बैलेट्स वर मच एप्रिसिएटेड इन अमेरिका, इन विच पोइम डू दीज लाइन्स ऑकर एंड येट आर स्प्रिट स्टिल एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट। यहाँ पर प्रशंसा करते हुए एक लेडी की, किस लेडी की वो बाद में बताएंगे भी, एंड येट आर स्प्रिट स्टिल, अभी भी उसमें आत्मा के तौर पर चमक है, एंड ब्राइट जो देवदूतों की आत्मा होती है वो उसमें है, एंड समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, और वही देवदूतों वाला उसमें प्रकाश है। तो ये बात कह रहे हैं वो अपनी वाइफ के लिए, मैरी हचिंगसन के लिए, तो सी वॉज अ फैंथम ऑफ डिलाइट इन, सॉरी कोई बात नहीं, इन विच एडिशन द फेमस प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स वॉज गिवन। तो आप जानते हैं कि सेकेंड एडिशन आता है 1800 में, और इस एडिशन में ये प्रीफेस देते हैं, और क्वेश्चन 36 है, इन विच एडिशन वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल पोएटिक डिक्शन टू द लिरिकल बैलेट्स वॉज गिवन टू। तो देखिए, तो पोएटिक डिक्शन नाम से अपेंडिक्स आता है, वो ये थर्ड एडिशन 1802 में पब्लिश करते हैं। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, जो कलकल करने वाले झरने थे वो एक उमंग की तरह, एक कहते ना उन्माद की तरह मुझे आकर्षित करते थे। तो ये पोइम है टिंटन एबे, बहुत सुंदर लाइन है ये। और नेम द पोइम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, स्वीट इज द लोर, वो ज्ञान मधुर है विच नेचर ब्रिंग्स, जो प्रकृति देती है, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो होता है वो काफ़ी मधुर होता है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, और जो हमारी बुद्धि है वो पागल कर देने वाली है, मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, प्रकृति की सुंदर सुंदर चीज़ों को जो इंटेलेक्ट है हमारी बुद्धि है वो क्या कर देती है, मिस सेप्स कर देती है, उनके रूप बिगाड़ देती है, बी मर्डर टू डिसेक्ट, हम उनका रूप बिगाड़ करके एक प्रकार का मर्डर कर देते हैं। तो ये किस पोइम से ली गई है आपको ये बताना है। तो देखिए ये पोइम जो है बिना किसी भेदभाव के टेबल टर्न है, और टेबल टर्न का आपको अर्थ भी मालूम होना चाहिए। देखिए ये टेबल जो है कमरे के भीतर रखी हुई है, और ये टेबल है, तो यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो आप। तो ये प्रकृति की गोद की टेबल है, प्रकृति की गोद है दो टेबल से। तो टेबल टर्न का मतलब है टेबल्स का बदलना,
यानी कि स्टेबल से स्टेबल को बदल लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैलेट्स. तो फर्स्ट पॉइंट है, लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज. मुझे तो ये पॉइंट सही लग रहा है, तो पहला पॉइंट सही है. वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट सिंपल लैंग्वेज क्रिएट्स बेटर पोइम्स देन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ये भी सही है. नेचर इज अ सेवेज फोर्स. सेवेज फोर्स कैसे हो सकती है भाई, तो ये गलत है. लिरिकल बैलेट्स रिसीव्स मिक्सड रिव्यूज व्हेन इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1798, ये सही है. तो आपका थर्ड गलत है. ये कुछ प्रीफेस से क्वेश्चंस हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ गेव द चार्म ऑफ नोबिलिटी टू विच थिंग्स, सबटल लाइफ ऑफ एवरीडे कॉमन लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, अर्बन लाइफ. तो उन्होंने एवरीडे कॉमन लाइफ लिया था और कॉमन ही लैंग्वेज का प्रयोग किया था जो कन्वर्सेशन लैंग्वेज थी. फॉर वर्ड्सवर्थ द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज गिवन टू, तो फंक्शन ऑफ पोइट्री है जो वो प्लेजर देना होता है, ये इनका ऑप्शन है. जल्दी करते हैं थोड़ा सा. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन. पोइट भी आदमी होता है जो आदमी से बात करता है. हु डिफाइंस पोइट्री एज दिस, पोइट्री इज द फाइनेस्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज. पोइट्री जो है सभी ज्ञान की पहली और आखिरी होती है. इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, और ऐसे ही अमर है जैसे कि मनुष्य का हृदय है. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कहाँ कहते हैं, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में कहते हैं, पोइट्री की डेफिनेशन देते हैं भाव. हु डिफाइंस पोइट्री एज दिस, बहुत सुंदर लाइन है. पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट, एक सांस है पोइट्री जो है, एक श्वास है, एंड फाइनर स्पिरिट और सूक्ष्म आत्मा है ऑफ नॉलेज, ज्ञान के. तो पोइट्री ज्ञान की सांस और सूक्ष्म आत्मा है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में. वर्ड्सवर्थ बहुत प्राइमरी, तो प्राइमरी तो वर्ड्सवर्थ एक पोइट्री थे, क्रिटिक तो प्रीफेस में बने आके, और ऐसे थे नहीं, हालांकि प्रीफेस एक प्रकार का ऐसे हैं. हु सेड पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग्स, कौन कहते हैं. तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ चुनने वाले थे मैं, लेकिन इसमें वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं दिया है, तो ये अरिस्टोटल होंगे. तो ये पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है ये अरिस्टोटल ने दी है, याद रखेंगे. हु कमेंट्स द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट, लिखने का जो उद्देश्य होता है वो इंस्ट्रक्ट करना होता है. एंड द एंड ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाई प्लेजिंग, लेकिन पोइट्री का जो उद्देश्य होता है वो खुशी के साथ साथ इंस्ट्रक्ट करना है. तो ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है इस बात को. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री क्या है. देखिए रिदम दोनों में हो सकती है, यूज ऑफ वर्ड्स दोनों में होता है, यूज ऑफ फीलिंग्स दोनों में होती हैं, यूज ऑफ मीटर नहीं होता. तो ये डी जो ऑप्शन है ये आपको डिफरेंस कर रहा है लैंग्वेज प्रोज और पोइट्री में, क्योंकि पोइट्री में मीटर होना जरूरी होता है. अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ द पोइट्रिक कंपोजिशन टेक्स प्लेस इन स्टेज. देखिए उन्होंने प्रीफेस में पोइट्री की प्रोसेस बताई है कंपोजिशन की, वो फोर स्टेजेस में बताई है. और कौन कौन सी फोर स्टेजेस हैं, देखिए पहले स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है और पावरफुल फीलिंग्स. तो पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, यानी कि स्वच्छंद प्रभाव आता है. देयर रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, और उन प्रभाव को शांति के समय इकट्ठा करते हैं. और इमोशंस इज कंटेम्पलेटेड, और जो इमोशंस हैं उस पर चिंतन किया जाता है. फिर चिंतन के बाद देयर एक्सप्रेस इन पोइट्री, उनको पोइट्री के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है. तो ये है कंपोजिशन का प्रोसेस. इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ रिमार्क्स द पोइट्री एंड पेंटिंग. तो इसमें प्रीफेस में पोइट्री और पेंटिंग को वो सिस्टर्स कहते हैं. और देखिए मैंने प्रीफेस को पढ़ाया है, और इससे शायद पिछला ही वीडियो है, उसको पढ़ लेना,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको पढ़ लेंगे तो प्रीफेस से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। द डोमिनेंट थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रीफेस ऑफ टू द लिरिकल बैलेट्स क्या है? देखिए प्रीफेस में इन्होंने जोर दिया है, वो दिया है पोइटिक डिक्शन पे, यानी कि पोइटिक भाषा। तो इन्होंने कहा था कि पहले तो इन्होंने एटमॉस्फेयर सुना, रस्टिक एंड नोबल एटमॉस्फेयर चुना, यानी कि हम्बल हम्बल और रस्टिक जो है लाइफ को चुना, और उसके बाद द बैरी लैंग्वेज ऑफ द पीपल यानी कि कन्वर्सेशनल उसको सुना। तो ये पोइटिक डिक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है। वर्ड्सवर्थ थ्रू हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिमोलिश्ड द आर्टिफिशियल एंड रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ, अपनी क्रिटिसिज्म के द्वारा इन्होंने किस फॉर्म को डिमोलिश्ड कर दिया जो कि आर्टिफिशियल थी और रेस्ट्रिक्टिव थी। तो ये थी 18th सेंचुरी की अर्बन लिटरेचर जिसमें पोप ने लिखा था और स्पेशल तौर पर इन्होंने पोप के विरोध में लिखा था। लर्न हैंस फॉर एंशियंट रूल्ड इस प्रकार, अथा प्राचीन नियमों को सीखिए, अजस्ट एस्टीम आदर के साथ, टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम, उनको कॉपी करना नेचर को कॉपी करना है। तो ये एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर की प्रशंसा में ये बातें जो है अलेक्जेंडर पोप लिखते हैं, और इनका जो ऐसे है वो है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उसमें लिखते हैं, वो भी पोइटिक वर्क है। टू शो दैट द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री आर नॉट डिफरेंट, यहाँ लैंग्वेजेस कर लीजिए वरना आर गलत हो जाएगा। टू शो दैट द लैंग्वेजेस ऑफ प्रोज एंड पोइट्री आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विलियम वर्ड्सवर्थ कोट्स अ सोनेट। तो किस सोनेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थॉमस ग्रे का सोनेट का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि इन्होंने की कुछ लाइनें ऐसी हैं जो प्रोज से बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह हैं, और सोनेट का नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट। ये पिछला जो वीडियो पढ़ाया है उसमें देख लेना जाके, और प्रीफेस में ये बात कहते हैं। और हु वॉज द फर्स्ट क्रिटिक, ये सोनेट याद कर लेना, थॉमस ग्रे का सोनेट है, सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट। हु वॉज द फर्स्ट क्रिटिक टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। देखिए वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। तो ये बात कहते हैं, तो इनको क्रिटिसाइज करते हैं एसटी कॉलेज अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया में, कहते हैं कि भाई उनमें प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में समानता नहीं हो सकती, वो डिफरेंस होनी चाहिए। तो पहले क्रिटिक हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ टिंटन एबे इज, तो देखिए ये आपका कन्फ्यूज मत होना, ये आपके ड्रामेटिक लिरिक है, इसको मैंने समझाया भी है, एक वीडियो बनाया है ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में डिफरेंस करना, तो यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए पहला अंतर तो यही है कि इसमें पोइट नहीं होता है और टिंटन एबे में पोइट बोलता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट नहीं होता है, थर्ड पर्सन नरेटर होता है। दूसरा, इसमें इनर कन्फ्लिक्ट को दर्शाया जाता है, और जबकि ड्रामेटिक लिरिक में इनर कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि आउटवर्ड जो एक्सपीरियंस होता है उसको दर्शाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाउ मैनी स्टेज वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर डिस्क्राइब इन टिंटन एबे, तो अभी बात की थी थ्री स्टेज में। और ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड अ क्रीड आउटवर्ड, तो कह रहे हैं हे भगवान काश मैं उस पैगन धर्म का अनुयायी होता, पैगन धर्म का मतलब मूर्ति पूजक धर्म का अनुयायी होता जो अब समाप्त हो गया है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली इस सुखद चरागाह में मैं खड़ा होता, हैव ग्लिम्स और उन देवताओं की झलक पाता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझको कम एकाकी महसूस करते। तो ये जो पोइम है
ये आपकी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से लिया गया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो नेचर की तरफ मुंह नहीं कर रहे, नेचर की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखते, तो इसलिए वो नेचर का पुजारी होने के कारण इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और काश उस धर्म का अनुयायी होता तो देवी देवता उसके साथ होते, वो अकेला महसूस ना करता। तो ये पोइम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, देखिए प्रील्यूड है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। सी इज अ फैन, यहाँ पर सी लंदन के लिए कहा गया है, सी इज अ फैन, वो एक दलदल बन गई है। काहे का? स्टेग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी का, अल्टर का, सोड एंड पैन, फायर साइड, हीरो बेल्ट ऑफ हाल एंड बोअर, किसके बारे में कहा गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हैव फॉरफिटेड द एंशियंट इंग्लिश डॉर, तो यहाँ पर अल्टर कहा गया है पुजारियों के लिए, सोड कहा गया है सैनिकों के लिए, पैन कहा गया है लेखों के लिए, फायर साइड कहा गया आम लोगों के लिए, हीरो बेल्ट कहा गया है वहाँ के नाइट आउट उनकी मिस्ट्रेस के लिए, हाल एंड बोअर का मतलब है जो घर की महिलाएं उनके लिए कहा गया है। तो ऐसे में जब हम किसी को सिंबल के तौर पर प्रयोग करते हैं तो उसे हम मेटोनिमी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।